ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मार्च बुधवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज अचानक धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए अनेकों योग बन रहे हैं और आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बेहतर दिशा देने का प्रयास करें जिससे समय के अनुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों साथ ही साथ उन्नति से संबंधित किसी शुभ समाचार की आज आपको प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे तथा उसका परिणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा। दोस्तों साथ ही साथ जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। अपने प्रतिद्वंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी। आप अपनी दिनचर्या व आदतों का विशेष रूप से अवलोकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक निखार आएगा। संतान की शिक्षा व कैरियर आदि से संबंधित भी कोई बड़ा निर्णय आज आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई व कैरियर संबंधित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे। आप भी अपनी कौशल क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा भी आज आपके ऊपर बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रफुल्लता रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग व्यवहार कुशल होते हैं, आप बुद्धिमता व होशियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है, इसलिए किसी भी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करें जिससे आपको कामयाबी और सम्मान प्राप्त हो सके। सगे संबंधियों से संबंध खराब होने की भी संभावना बन रही है। धन संचय करने का आज प्रयास विफल हो सकता है, सावधान रहें। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। भाइयों से संपत्ति व बंटवारे संबंधित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा। आपसी संबंधों को ना बिगाड़ें। युवा वर्ग अपने कैरियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें। साथ ही साथ आज आपको अपने क्रोध व आक्रोश पर काबू रखना आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बनाया गया खेल बिगड़ सकता है जिससे पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ अजनबी व अपरिचित लोगों से व्यवहार व लेन देन में सावधानी बरतें। आप किसी साजिश या फिर षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर उपाय यह है कि आप बुरे लोगों की संगति से दूर ही रहें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के भी योग प्रबलता से बने हुए हैं। भूमि या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंधित योजनाएं बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ आपको उनका सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। घर परिवार की सुख सुविधा के प्रति आज आपकी प्राथमिकता रहेगी। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, परंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारात्मक रवैया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों व्यापार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोश मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन में लगाएं। नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और सहकर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणीत होगी, परंतु उस योजना पर पुनः परीक्षण जरूर करें। साथ ही साथ नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां भी आएंगी, परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परेशानियों का हल बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ढूंढ लेंगे। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, परंतु कई मामलों में आपका स्वाभिमान आपकी उन्नति में बाधक बन सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को थोड़ा लचीला बनाकर रखें। यह ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है कि आपकी कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि आज लीक हो सकती है। कर्मचारियों की गतिविधियों पर आज आप नजर रखें, परंतु जल्द ही स्थितियां काबू में आ जाएंगी, इसलिए आप पूरे जोश से अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान व दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ ज्यादा गरिष्ठ व तला भुना भोजन खाने से भी आपको परहेज करना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप सुपाच्य भोजन करें और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर के सामने बैठकर हरे रंग के कपड़े से खुद ही सिलाई कर एक छोटी सी पोटली बनाएं। इस पोटली में आप 7 दाने साबुत मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 2 सुपारी और 2 हल्दी की साबुत गांठें, या दोस्तों इन सबको इस पोटली में रखकर भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रखाएं और अपनी मनोकामना मांगें। या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री गणेश जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।